हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए अब अगला नया चैप्टर हम लेते हैं, शेप्स एंड एंगल्स। तो शेप्स एंड एंगल्स के लिए इसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें रहती है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेस, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कार्ड्स एंड व्हील के पार्ट वन में बता दिया है। तो अगर आप लोग फिर से जानना चाहें तो उस पार्ट वन को पहले देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम शेप्स और एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो टू लाइन सेगमेंट विद द कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। दो लाइन सेगमेंट है और उन दोनों लाइन सेगमेंट या फिर दो लाइन भी हो सकती है, दो रे भी हो सकती है, परंतु उनका एक कॉमन एंड पॉइंट है तब हम कहते हैं वहां पर जो उन दोनों के बीच में जो बनेगा उसको हम एंगल कहते हैं। तो कैसे भी लाइन सेगमेंट हो सकती है, चाहे एक इस तरफ से जा रही है, एक उस तरफ जा रही है, परंतु बस इतना ध्यान रखना है हमको कि ये दोनों का एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल आर मेजर्ड इन डिग्री, और यहाँ पर एंगल्स को हम किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में, उसका एक यूनिट है, ठीक है। और ये विद द एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर किसको बोलते हैं, इसको मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ट्रैक्टर। जैसे यहाँ पर मेरे पास है प्रोट्रैक्टर, ये आप लोगों के लिए एक बड़ा सा प्रोट्रैक्टर है, और आप लोगों के पास अपने घरों में छोटा प्रोट्रैक्टर भी होता होगा। तो हम इसके सहायता से अभी एंगल कैसे मेजर किया जाता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर टू रेज विच आर फॉर्म्ड एन एंगल आर कॉल्ड साइड ऑफ द एंगल। जैसे ये एक एंगल बन रहा है, मेरी एंगल बन रहा है, इसके यहाँ पर दो साइड है, ये आपका एक साइड है ओ ए, एक आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और ये एक दूसरा साइड है, इसको आर्म्स भी बोल सकते हैं या साइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द एंगल, एंड कॉमन एंड पॉइंट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स, उसको कहा जाता है वर्टेक्स, ठीक है। कॉमन एंड पॉइंट, ये जहां पर ये दोनों रेज मिल रही है उसको हम कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी इसके साइड्स है एंगल के, और ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स। और इसको लिखते कैसे हैं एंगल को, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इसका जो इसका नाम हमने मान लिया, एक पॉइंट दे दिया ए, इसको बी दे दिया, कॉमन एंड पॉइंट ओ है। तो या तो एंगल इस तरह से लिखा जाएगा, एंगल ए ओ बी, या फिर आप उसको उल्टा कर दीजिए, एंगल बी ओ ए, ठीक है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये एंगल लिखने का तरीका है। अब जैसे यहाँ पर हमको काउंट करना है नंबर ऑफ एंगल्स, इसमें आप देखिए दो, बस हर बार यही देखना है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट या फिर दो रेज या दो लाइन किस पॉइंट पर मिल रही है उतने एंगल बनेंगे। जैसे यहाँ वन बना, टू बना, थ्री बना, फोर बना, तो देयर आर फोर एंगल्स इन दिस शेप। यहाँ पर इस शेप में कितने एंगल दिख रहे हैं, वन टू एंड थ्री, है ना। तो आप आराम से मेजर कर सकते हैं कितने शेप दिख रहे हैं, कितने एंगल दिख रहे हैं, वन टू थ्री, हियर थ्री एंगल्स। यहाँ पर आपको कितने एंगल्स मिल गए, फोर एंगल। आप उसी तरीके से इजीली मेजर कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है। यहाँ पर कितने एंगल्स बन गए, सिक्स। आप अपने आसपास जो भी चीजें दिख रही है उन सब में इतने एंगल्स को ढूंढ सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगला हम आते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ एंगल, और टाइप्स ऑफ एंगल और उनका डिस्क्रिप्शन। तो टाइप्स ऑफ एंगल बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मेजर जो होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 अंश से छोटा होना चाहिए। इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। इसको मैं अभी मेजर करके आपको दिखाऊंगी। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल उसको वो होता है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। देखिए यहाँ तक आपका जाएगा ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल जो होगा उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट
रिफ्लेक्स एंगल. तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, आप यहाँ देखिए मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. जब ये कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो उसको तो हम कहते हैं वन रोटेशन. और वन रोटेशन हो गया उससे कम, वन रोटेशन से थोड़ा कम है लेकिन 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, अब यहाँ पर इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्स एंगल में और ऑब्ट्यूस एंगल में. ये रिफ्लेक्स एंगल का जो अपोजिट साइड में जो एंगल बनेगा वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल में ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो छोटा होता है. इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल से बड़ा होता है लेकिन रिफ्लेक्स और ऑब्ट्यूस में कंपेयर करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल बड़ा होगा. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज इन इट. तो ये थोड़ा सा सावधानी की बात है. अब यहाँ पर फुल रोटेशन कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री. मतलब यहाँ से शुरू किया, जैसे आप लोग घड़ी में भी देख सकते हैं, घड़ी में मान लीजिए 3 से काटा शुरू किया और 3 पे ही खत्म हो रहा है तो कंप्लीट वन रोटेशन हो जाता है, पूरे 12 घंटे मतलब वन रोटेशन हो जाता है. तो उसी तरीके से उस समय वो जो क्लॉक है वो 360 डिग्री का एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको एक पिक्चर में आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी. ये देखिए, ये छोटा सा एंगल है एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री. यहाँ पर एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल जो होगा वो राइट एंगल हो जाएगा. 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, मतलब यहाँ तक ये वाला एंगल क्या हो जा रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल. और स्ट्रेट एंगल, ये वाला एंगल होता है इसके ऊपर में जो एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट एंगल. और ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इधर पे आप देखिए ये रिफ्लेक्स एंगल है. और ये इसको अगर ये एंगल पूरा कंप्लीट करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वन रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा आप लोगों को और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा. फिर से आप एक बार अपने दिमाग में डालिए, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, ठीक है, एंड कंप्लीट रोटेशन. फिर से मतलब यहाँ पर हम लोग अपनी उंगली से भी कर सकते हैं. जैसे ये देखिए आपका सिंपल सा वन हो गया, एक एक्यूट एंगल हो गया, फिर उसके बाद राइट एंगल हो गया, फिर ऑप्ट्यूस एंगल हो गया, फिर स्ट्रेट एंगल हो गया, फिर रिफ्लेक्स एंगल हो गया एंड लास्ट वन कंप्लीट रोटेशन हो गया. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए. नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास अगला कुछ फिगर है, आप मैंने लिखा है मदर. आप और भी कुछ भी अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, अपने नाम लिख सकते हैं, किसी कुछ भी लीजिए और उसमें आप फाइंड आउट कीजिए कि कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं, कितने राइट एंगल बन रहे हैं और कितने ऑप्ट्यूस एंगल बन रहे हैं. ठीक है, आप या रिफ्लेक्स एंगल भी बन रहा है तो उसको भी देखिए. जैसे मदर में हम काउंट करते हैं 1 2 3, यहाँ पर आपका आ गया. फिर इसके बाद ये आपका कौन सा एंगल बना, राइट एंगल बना. ठीक है, इधर पे यहाँ पर ये दोनों भी राइट एंगल बन गया. यहाँ पर 1 2 3 4, ये ऑल राइट एंगल फॉर्म हुआ. दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल. ये आपका एक्यूट एंगल बन गया, एक्यूट एंगल बन गया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, और ये भी एक्यूट एंगल बन गया. ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि कितने एक्यूट एंगल बने, कितने ऑप्ट्यूस एंगल बने, कितने राइट एंगल बने और उनको यहाँ पर आप काउंट कर लिखिए. ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितने मिले, उतना एक्यूट एंगल कितना मिला, राइट एंगल कितना मिला, ऑप्ट्यूस एंगल कितना मिला. ठीक है, तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के नाम को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं और उनमें भी आप एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑप्ट्यूस एंगल छाट सकते हैं. फिर उसी तरीके से यहाँ पर अगला है, जैसे आप घड़ी बनाते हैं, है ना, तो घड़ी बनाते तो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम. जैसे हमारे पास ये कोई घड़ी है, मान लीजिए ये आपको टाइम तो पता है, चाहे मैं मार्क्स दिए हो या ना दिए हो उसमें हमको समझ आ जाता है कि ये कितना बज रहा है. तो ये आप देख रहे हैं तो ये कितना बज रहा है, 3 o'clock हो रहा है. तो 3 o'clock में घड़ी के जो दोनों हैंड है वो कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो ये आपको साफ समझ आ रहा है राइट एंगल बना रहे हैं. ठीक है ना, ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है.
इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, इसमें इस पोजीशन में घड़ी के दोनों एंगल कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, और दूसरी तरफ में आप देख रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी घड़ी के अलग अलग टाइम निकालिए और बताइए कि किस टाइम पर एक्यूट एंगल फॉर्म होता है, किस टाइम पर ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, किस टाइम पर राइट एंगल बनता है और स्ट्रेट एंगल भी फॉर्म होता है। आप लोग घड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर कभी कभी देखते हैं जब ये दोनों कांटे बिल्कुल इस तरह से सीधे में आ जाते हैं, तो उस समय यहाँ पर घड़ी के दोनों हैंड्स के बीच में 180 डिग्री बन जाता है, तो वो होता है स्ट्रेट एंगल। तो आप ये भी आपका काम है, थोड़ा छाटिए इसको। और यदि क्लॉक वगैरह में प्रॉब्लम जाए तो क्लॉक का भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, जो टाइम वाला वीडियो है तो उसमें टिक टिक टिक, उसमें भी आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से अब आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक आपको ड्रॉ करना है, जिससे कि घड़ी में एक्यूट एंगल बने, राइट एंगल बने, ऑब्ट्यूस एंगल बने, स्ट्रेट एंगल बने। तो कौन कौन सा टाइम है उसमें टाइम भी आपको लिखना है। बहुत सिंपल सा है ये एक्टिविटी और बहुत आराम से आप कर सकते हैं। जैसे एक्यूट एंगल बनाना है तो बहुत सारे एक्यूट एंगल के तो बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे यहाँ पर बन गया 1 o'clock हो गया, 2 o'clock हो गया, दोनों में एक्यूट एंगल बन जा रहा है। ठीक है, 3 o'clock में आपका क्या बन गया, राइट एंगल बन रहा है। तो ऐसे करते करते एक एक o'clock आप बढ़ाते जाइए और देखते जाइए किसमें राइट एंगल बन रहा है, किसमें ऑप्टिस एंगल बन रहा है और किसमें स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एंगल कैसे ड्रॉ करना है, उसको मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, ये एक बड़ा सा प्रोट्रैक्टर है जो ये टीचिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके जो मिड पॉइंट है, ये जहाँ पर 0 शो हुआ है, उस पर हम एक पॉइंट लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है, उस 0 पॉइंट से इधर पर आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, ये आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया। ठीक है, अब आपको जितना भी एंगल मेजर करना है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक अंदर साइड में आप देखेंगे 0 to 180 इस धर से आपका मतलब एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन में हुआ है, और आउटर साइड में आप देखेंगे 0 to 180 ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, कई बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। उन लोगों को अगर बोला जाए कि 130 डिग्री बनाओ तो वो 50 डिग्री बना लेते हैं, अगर उनको बोला जाए कि 80 डिग्री बनाइए तो वो 100 डिग्री बना लेते हैं। तो ये गलती बहुत होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल बोला गया है। तो जैसे आपने सबसे पहले यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, आपको 30 डिग्री बोला, तो 30 डिग्री आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने स्टार्ट किया कहाँ से, अगर 0 यहाँ से शुरू करेंगे तो 30 डिग्री आपका इधर पे आ गया। ये देखिए, ये नीचे वाला 30 डिग्री लेंगे और फिर ये इस तरफ में जिस साइड से 0 लेंगे उसी साइड में आपको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया, अब इन दोनों को हटा दीजिए और इस पॉइंट को जो आपने लाइन खींची है पहले, उन दोनों से मिला दीजिए। देखिए, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, एक सीधी स्ट्रेट लाइन आपको मिलनी चाहिए। अब चाहे तो ये कितना भी आगे जा सकता है, इस लाइन को भी चाहे तो स्ट्रेट में कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, वो आपका 30 डिग्री ही होगा। और दूसरा, आप पीछे जब भी आप ये एंगल बनाएंगे तो इतना ध्यान रखिएगा कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल है, क्या बनाने बोला जा रहा है उसका जरूर ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है 90 डिग्री बनाने के लिए, तो 90 डिग्री के लिए भी आप ये बस इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, पॉइंट हमेशा इस पॉइंट के नीचे ही रहना चाहिए। यहाँ पर आपने 90 डिग्री पर एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली और फिर उसके बाद इन दोनों को मिला दिया, इस पॉइंट को इस जो आपने सबसे पहले पॉइंट लगाया था उससे मिला दिया, तो आपका बन जाएगा ये कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये देखिए, इसको मिला दीजिए तो ये वाला जो है एंगल है ये कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। और कितना भी आप लंबा आगे तक बढ़ाते चले जाइए, लेकिन वो एंगल 90 डिग्री ही होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी नापेंगे तो भी 90 डिग्री ही होगा।
अब इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए क्या बनाना है, 120 डिग्री बनाना है। मान लीजिए यहाँ जीरो पे ही हमने पॉइंट रखा और 120 डिग्री आपने जीरो से स्टार्ट कीजिए, जीरो से स्टार्ट कीजिए, 120 यहाँ आया और ये इधर पे आपने पॉइंट लगा दिया। अब फिर इसके बाद अब इसको इस पॉइंट को ध्यान रखिए, आपने जहाँ लाइन कहाँ से खींचना है आपको, जहाँ से आपने जीरो लिया है। अब फिर इन दोनों को मिला लीजिए, ये मिला लिया आपने, ये आपका कौन सा कितना डिग्री बन गया, 120 डिग्री बन गया, ठीक है ना। अब इसी में आपका अगर 180 डिग्री बनाना है या फिर उससे भी अलग कोई और भी आपको एक दो डिग्री बनानी है तो आप बना सकते हैं। 150 बनाना है, 150 कई बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है, 150 अगर यहाँ दिख रहा है तो लाइन आपको यहाँ से खींचना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आपने लाइन यहाँ पर ली है तो जीरो भी यहाँ से नापना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 150 डिग्री अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आपने 150 डिग्री पे पॉइंट लगाया और इस जीरो को आप किससे मिला दीजिए, 150 से मिला दीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट से मिला दीजिए, तो आपका जो बन जाएगा कितना बन जाएगा, 150 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, ये वाला जो एंगल हो गया ये हो गया 150 डिग्री, ये 150 डिग्री हो गया। और अगर इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आपने रखा और ये आपका हो गया 180 डिग्री। आप इसको मिला लीजिए इस पॉइंट को, ये देखिए, इसलिए ऐसा लगता है कि अरे हम टेढ़ा तो नहीं बना रहे हैं, इसलिए पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, पॉइंट बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री, मतलब कि आपका आएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से इस तरफ से लाइन खींची तो ये वाला जीरो यूज करेंगे कोई भी एंगल को लेने के लिए, अगर इस तरफ से लाइन खींची तो ये वाले जीरो को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एंगल को देखने के लिए। और दूसरा ये तो ध्यान रखना ही है आपको, जैसे मान लीजिए 120 बोल रहा है तो अपने दिमाग में रखेंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है हमको, अगर आपको बोला 50 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल है, तो उस हिसाब से आपका एंगल सही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल बनाना सबसे पहले सही सीख लीजिए। और आपको मान लीजिए कोई एंगल दे दिया गया है और उसको बोल रहा है कि इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर कीजिए, तब भी जैसे मान लीजिए आपको सिंपली यहाँ पर कोई दो लाइन खींच दिया गया है, ऐसे इस तरह से खींचा है और एक लाइन मान लीजिए ऐसे करके खींच दिया है और इसको बोल रहा है कि आप मेजर करके बताइए, तब आप मेजर कैसे करेंगे, आपको किसी भी एक पॉइंट एक लाइन पर इस प्रोट्रैक्टर का ये वाला पॉइंट को रखना है, मतलब सीधी रेखा रखनी है और फिर इसको देखिए कि इस सीधी रेखा में ही ये दूसरा वाला जो पॉइंट है कौन से पॉइंट पे, मतलब यहाँ पर टच कर रहा है तो किस एंगल पे जा रहा है, ये यहाँ पर जैसे इधर से देख रहे हैं आप तो ये कितने पे जा रहा है, 90 से जरा सा आगे है, 90, 92, 94 डिग्री बन जा रहा है, ठीक है। और अगर इसको छोटे वाले प्रोट्रैक्टर से नापेंगे तो भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने रखा और ये देखिए यहाँ पर 90 से जरा सा ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ये प्रोट्रैक्टर है इसके एक मतलब जब एंगल नापते हैं तो किसी भी एक लाइन में प्रोट्रैक्टर का सीधी लाइन रहनी चाहिए और दूसरी लाइन को में आप देखिए कि कौन सा एंगल कौन सा डिग्री पड़ रहा है, तो आप आराम से इसको एंगल को मेजर कर लेंगे। मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा, कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछिएगा जरूर। और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और इसमें जितनी भी एक्टिविटी है उसे करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।